हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोविड की एक दूसरी लहर अभी भारत पर पड़ रही है भारी। यहाँ हम जानते हैं इसके लक्षण, संकेत तथा इलाज। रेवदे सिरोही राजस्थान से रिपोर्ट। तो आज हमारी डॉक्टर तेजाराम गहलोत जी से बात हुई, जो चिकित्सा अधिकारी तथा शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। तो आइए हम कोविड की एक दूसरी लहर पे सवाल जवाब करते हैं। सेकेंड वेव में जनता का रोल ज्यादा है, जो जनरल पब्लिक है, अगर वो गाइडलाइन को अच्छे से फॉलो कर देगी तो सेकेंड वेव कब की पूरी हो जाएगी। जनरल पब्लिक ये हेल्प कर सकती है कि बगैर काम से बाहर ना निकले, मास्क को पहन के रखे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। इतना करने पर हम काफ़ी हद तक इस सेकेंड वेव को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, मास्क को जरूर यूज़ करें, यही बचाव है, और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। दूसरा सिम्टम्स अभी जो सेकेंड वेव आ रही है उसमें जो पहले वाले सिम्टम्स थे जैसे सर्दी, बुखार, खांसी, इनके अलावा काफ़ी लोगों में दस्त की शिकायत हो रही है और साथ में कुछ भी तकलीफ नहीं होती, सिर्फ वीकनेस होती है। तो इस तरह के सिम्टम्स काफ़ी वेव सिम्टम्स आ रहे हैं, वेव सिम्टम्स है, कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स अभी ना नहीं रहा। जो पहले थे कि सर्दी जुकाम होगा, खांसी होगा, वो तो है ही, साथ में अगर ये सिम्टम्स नहीं है, सिर्फ वीकनेस फॉलो हो रही है, तो वो भी इसका कोविड का सिम्टम्स हो सकता है। अब ये आ गया कि पॉजिटिव हो गए तो उस पर क्या होना चाहिए, क्या लेना चाहिए। जो सरकार के द्वारा आप पॉजिटिव जो मेडिसिन किट पहुंचाया जाता है आपके पास में, वो तो लेना ही है। साथ में आपको गर्म भाप लेनी है, इसमें इनहेलेशन का काफ़ी अच्छा रोल है। स्टीम जो लेते हैं, टोनिंग करते हैं, उससे काफ़ी अच्छा रोल है, उससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी, ऑक्सीजन सेचुरेशन अपने आप बढ़ जाएगा। स्टीम लेने से जो फेफड़ों में जो जमा हुआ है वो भी कम हो जाएगा, और साथ साथ में आपको डाइट अच्छे से रखना है, ज़्यादातर जो सिट्रस फ्रूट है उनको यूज़ करना है, उसका काफ़ी अच्छा रोल है, विटामिन सी है, ठीक है ना। और हाइड्रेशन अच्छे से रखना है, लिक्विड डाइट ज़्यादा रखिए, तो जिससे बॉडी में वायरल लोड कम हो जाए। टेस्ट कितने दिनों बाद करवाना चाहिए, अब जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है उनकी गाइडलाइन है कि अगर उनको 3 दिन से बुखार नहीं आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट 10वें दिन अपने आप डिस्चार्ज हो सकते हैं, उनको वापस रिपोर्ट कराने की जरूरत नहीं। एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्प्टोमेटिक पेशेंट में अगर आपको 3 दिन से बुखार नहीं आ रहा है, जब पॉजिटिव आ गए आप 3 दिन से बुखार नहीं आ रहा है, तो 10वें दिन आप बाय डिफॉल्ट डिस्चार्ज हो जाएंगे, आपको वापस सेकेंड रिपीट करवाने की भी ज़रूरत नहीं। उल्टी दस्त होना, मुँह से स्वाद नहीं आना, जो सुगंध नहीं आना, ये कोविड के लक्षण हैं, क्योंकि कोविड वायरस में जितनी भी अपनी जो सेंसरी ग्लैंड्स होती है, जो ऑडिटरी ग्लैंड्स, जो स्वेट जो क्या कहते हैं सुगंध और टेस्ट को अपने को पता चलता है, उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से उसमें जो टेस्ट सेंसेशन है वो चले जाते हैं। ये कोविड का लक्षण है बिल्कुल, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के कोई भी लक्षण हो सबसे पहले आपको हॉस्पिटल में जाके कंसल्ट करिए, वो भी तब जब आपको लगे, नहीं तो अदरवाइज खुद को आइसोलेट कर लीजिए और जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करिए। हाइड्रेशन अच्छे से लीजिए, घर में जो पैरासीटामोल टैबलेट है, विटामिन सी है, जिंक है, मल्टीविटामिन है, ये टैबलेट रखी है, उनको लेने के बाद में भी आपको लगता है तो सबसे पहले डॉक्टर को कॉल करिए, डॉक्टर के कॉल जो हेल्पलाइन नंबर सबको दिए हुए उनको कॉल करिए, वो आपको कॉल पे ही आपको बता देगा कि आपको करना क्या है, ऐसे आपको हड़बड़ी में कहीं भागना नहीं है। घर में अगर ऑक्सीमीटर है तो आप देखते रहिए, 90+ रहना चाहिए आपका ऑक्सीजन लेवल, 90+ है तब तक आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ में आपको जो भी चेस्ट फिजियोथेरेपी का काफ़ी अच्छा रोल है, चेस्ट फिजियोथेरेपी करिए आप, ठीक है ना, प्राणायाम करो, टोनिंग का अच्छा रोल है वो करिए। 90+ है तब तक आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, 90 से कम होता है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए, उनसे पूछिए कि सर अब मेरे को क्या करना चाहिए, वो आपको कुछ एडवाइस देंगे, आपको ये भी एडवाइस देंगे कि आपको जाना कहाँ पर है। आप पैनिक नहीं रहे, आप घबराए नहीं, सेकेंड वेव अगर आपका 90 से बिलो सैचुरेशन आ रहा है तो भी चिंता मत करिए, उसको बढ़ा सकते हैं आप, मतलब बगैर ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन की डिमांड वो डॉक्टर डिसाइड करेगा, आपको ऑक्सीजन के पीछे नहीं भागना है, अभी तो आपको पैनिक नहीं होके डॉक्टर की सलाह मांगना है।
डॉक्टर तेजाराम गहलोत जी से बात करके संतुष्टि मिली, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर जी ने कोविड के बारे में बताया वो काफी कारगर है। डॉक्टर तेजाराम गहलोत जी ने काफी मदद करी और वो लोगों की सेवा में दिन रात रहते हैं बिना किसी सहायक डॉक्टर के। डॉक्टर तेजा जी यहीं पर अंतिम लॉकडाउन से पोस्ट पर हैं। हम हमेशा डॉक्टर जी के आभारी हैं तथा वो इस रूप में कोरोना से किसी भी डर के बिना एक फ्रंट लाइन कार्यकर्ता के रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सभी डॉक्टर हमारे हीरो हैं और मानवता के नायक हैं। हार्दिक धन्यवाद डॉक्टर तेजाराम गहलोत जी। रेवदर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।